क्या फ्रेंड्स, आपने जियो का प्राइम मेंबरशिप अभी तक लिया? अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ₹50 कैशबैक, मतलब ₹50 कैशबैक नहीं दोस्तों, वाउचर कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इंडिया का नया कैश जियो मनी, जियो मनी से आप कैसे अपने रिचार्ज कर सकते हैं अपने फ़ोन को, जैसे कि आपको जियो का नया प्राइम मेंबर आप कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, प्राइम कस्टमर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्राइम कस्टमर बन सकते हैं, और वो भी मैं आपको जियो मनी से बताने वाला हूँ। इससे सबसे पहले ये फ़ायदा है कि आपको ₹50 कैशबैक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये नया ऑफर है जियो की तरफ से कि उसको 50% कैशबैक आपको मिलेगा, वो भी जियो मनी से आप अगर रिचार्ज करेंगे। तो मैं ओपन करूंगा अपने जियो मनी एप्लीकेशन को। यहाँ ओपन करने के बाद मुझे एक पासवर्ड पूछेगा जो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ना जियो का नंबर डालना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गेट 50 जियो कैशबैक वाउचर, तो जियो रिचार्ज के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अपना जियो का नंबर डालेंगे तो फ्रेंड्स, ये आपका नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने इनपुट कर रहा हूँ नंबर, तो यहाँ पे मैंने नंबर डाला और मैंने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जियो के मेंबरशिप का ऑफर दिखा रहा है। जियो का जो भी प्लान, बियो, जितने भी हीरो, बूस्टर, एक्स्ट्रा, जितने भी ऑफर दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले प्राइम मेंबरशिप लूँगा जियो का। यहाँ पे मैंने प्राइम मेंबरशिप जो वैलिडिटी है 12 मंथ की, और फ्रेंड्स जियो के प्राइम मेंबर की वैलिडिटी सिर्फ 2 दिन बची हुई है। तो आप अगर आपने नहीं लिया तो ये मौका आप मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं 99 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ₹99 यहाँ पे दिखा रहा है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे अपना जो आपने डाला हुआ है वो आपको डालना है, और यहाँ पे आपको जियो मनी में आपके एक भी बैलेंस नहीं है तो आपको क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने कार्ड नंबर डाल दिया, नेम ऑन कार्ड डाल दिया, एक्सपायरी डेट और CVV भी डाल दिया। तो यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, आपको देखना है, और यहाँ पे सेव कर देना है। और यहाँ पे सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप रिव्यू एंड पे के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99.99, और यहाँ पे आपको पे करना है, आपका एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा हो रहा है, तो इसके पहले आपको बैक का बटन नहीं दबाना है। यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन होगा, जो ऑथेंटिकेशन आपके बैंक की तरफ से होगा। यहाँ पे अपने बैंक की तरफ से आपको OTP भी आ सकता है, बट यहाँ पे ATM पिन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे ATM पिन डाल दूंगा। तो यहाँ पे सबमिट के ऊपर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली दिखा दिए, तो डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे आप होम में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सीख लिया कि कैसे आप जियो प्राइम का वाउचर का रिचार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पिन वेरिफिकेशन कर लिया। यहाँ पे मैंने जो रिचार्ज मारा था ₹99 का, अब हमें देखेंगे हमें वाउचर मिला है कि नहीं ₹50 का। ये रिचार्ज हमने मारा था जियो मनी एप्लीकेशन में, पैसे ऐड नहीं किए थे, डायरेक्ट हमने डेबिट कार्ड से मारा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफर्स एंड लॉयल्टी में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जियो ऑफर के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको जियो ऑफर में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जियो ऑफर्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ प्रोसेस में रिक्वेस्ट में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जितने आप 5 बार रिचार्ज कर सकते हैं, आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं उनके। तो 5 बार आप किसी का भी रिचार्ज मार दीजिए कि यहाँ पे मुझे एक ₹50 का जियो कैशबैक वाउचर एक मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जियो का वाउचर मिला। तो यहाँ पे हम व्यू कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा जो जियो प्राइम 50A है। तो यहाँ पे आप कॉपी एंड रिचार्ज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको आपका नंबर दिखाएगा, और यहाँ पे आप किसी के भी नंबर पे रिचार्ज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर इंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने नंबर किया एंटर और मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। तो यू हैव अनयूज कूपन, प्रोसीड टू रिडीम। 303 के ही अंदर रिचार्ज जो आप है उसी में आप ये रिडीम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप 149 के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये रिचार्ज, मतलब जो ₹50 का कोड है वो आप नहीं डाल सकते हो, आपको कोड नहीं दिखाया। जैसे कि मैं 159 यहाँ पे आप कोड नहीं दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कॉपी एंड रिचार्ज के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको फिर से नंबर डालेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 303 का रिचार्ज के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो मैं 303 के रिचार्ज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 303 के यहाँ पे ऐड कूपन का, अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास एक ही कूपन है, यहाँ पे लिखा है कि 3 महीने में वो एक्सपायर हो जाएगा। इस कूपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ₹253 दिखा रहा है। मैं अभी रिचार्ज नहीं मारने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी रिचार्ज मारूँ मैं आपको दिखा दिया कि मुझे ₹50 कूपन मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं कूपन।
तो फ्रेंड साहब आप देख लिया कि मुझे 50 रुपये कूपन मिला है, मैंने इसको यूज करूंगा नेक्स्ट रिचार्ज में जो 149 से ऊपर का होगा, 149 के रिचार्ज पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आप 5 बार 99 रुपीज का पे करके आप रिचार्ज या कूपन ले सकते हैं 5 बार। तो फ्रेंड्स जैसे पेटीएम में 30 रुपीज मिलता है, इसमें 50 रुपीज मिलता है। पेटीएम में क्या आप कहीं पे भी वो रिचार्ज कर सकते हैं, 50 रुपीज में आप वो रिचार्ज नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।